नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो न्याय की लड़ाई चल रही है उसमें कुछ कमजोरी आ गई है। जबकि एक बहुत ही बड़ा मुहिम चालू हुआ था और ये आप सब लोगों की बदौलत ही इतना ज़्यादा पूरे देश में ये शोरगुल हुआ और पूरे देश में इंसाफ की मांग उठी और लगभग एक महीना एक साल से ज़्यादा हो चुका है, उसके बावजूद भी आवाज़ मजबूती के साथ उठते रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया ये मुहिम कमज़ोर पड़ती गई और बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए। परंतु अभी भी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अब तो ज़रूरत यह है कि इस मुहिम को एक मजबूत तरीके से फिर से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि इस जो भी कांड हुआ है, हत्याकांड है, इसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग शामिल हैं और ये कोई छोटा मोटा इसमें ये लोग गुनाहगार नहीं हैं, क्योंकि एक ऐसी साजिश रची गई थी जिसमें एक उभरते हुए कलाकार की हत्या की गई और इस साजिश में बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े माफिया गिरोह इन्वॉल्व हैं और उनके साथ जब इस चीज़ों का खुलासा हुआ उसके बाद PR एजेंसियाँ उन सब की एक्टिव हुई और उन PR एजेंसियों का पहला टारगेट ये होता है कि इस मुहिम को ख़त्म कर दिया जाए, जो एक बड़ा सा न्याय की लड़ाई चल रही थी उसको ख़त्म कर दिया जाए। और उसमें वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफल दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये रहता है कि वो लॉन्ग टाइम लेकर के चलते हैं कि साल भर 6 महीने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं और उस टारगेट में उन्होंने धीरे 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 सबको एक प्रकार से अलग थलग कर दिया। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मुहिम को अपने कब्जे में लेकर के उन्हें ये लगा कि यही उनकी बपौती है और यही उन्हीं का सब कुछ है, वो जो चाहेंगे वही होगा। तो इससे दूसरे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोग धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लिए, क्योंकि ठीक है आपको जो करना है आप करिए। तो इसके बाद से ये हुआ कि जैसे जैसे लोग अलग होते गए मुहिम कमज़ोर पड़ती गई और PR एजेंसियों की जो तकनीक थी, जो उनका टेक्निक था, वो उसमें सफल हो गए। परंतु क्या न्याय मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और इस न्याय की लड़ाई में एक तरफ सुशांत के फैंस हैं और एक तरफ बड़े बड़े माफिया गिरोह हैं, PR एजेंसियां हैं, और जो लग रहा है कि इस मामले में अब कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, कोई भी कहीं कोई खुलासा नहीं है। कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है, एक लाइन का अपडेट, लेकिन वो न के बराबर है, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। और सिद्धार्थ पिठानी से लेकर के रिया चक्रवर्ती हो, दीपेश सावंत हो, चाहे जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोग कंटिन्यू साइलेंट हैं और उनका साइलेंट रहना इस बात को बता रहा है कि उनका साइलेंट होना और उनके पीछे दूसरे लोग काम कर रहे हैं जो फ्रंट पे नहीं हैं, जिनके चेहरे सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो अपने काम में लगे हुए हैं, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे वो PR का मामला हो, चाहे न्यूज़ चैनल का मामला हो या कहीं का मामला हो। सिर्फ कुछ चंद लोग ही हैं इस मुहिम में जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे अपनी बात को मजबूत तरीके से रख रहे हैं। बाकी न्यूज़ चैनल भी अब साइलेंट हो चुका है। सोशल मीडिया पे जो ट्विटर पे जो ट्रेंड नंबर 1 होता था डेली, वो भी अब नहीं हो रहा है, 5-6 नंबर तक रहता है। तो धीरे धीरे मुहिम को शांत करने की जो उनकी प्लानिंग थी वो उनमें सफल हो चुके हैं। परंतु अगर अभी भी मौका है, अगर अभी भी आप सब लोग एकजुट होकर के इस सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के खेल को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको एकजुट होकर के एक प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को आप बिल्कुल ही कमज़ोर नहीं मान सकते, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के तार दुबई से लेकर के बॉलीवुड के बड़े बड़े माफियाओं तक जुड़े हुए हैं और इन सारे माफियागिरी में उसका सहयोग करने के लिए भी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, ये आप सबको भी पता है। और सिद्धार्थ पिठानी ने जिस प्रकार से इस पूरे मामले में अब उसकी भूमिका रही है वो बहुत ही संदिग्ध भूमिका है। और सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, ये 3 नाम ऐसे हैं जो कि मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं मेरी जानकारी के अनुसार, मेरे अनुमान के अनुसार। और अगर इन तीनों लोगों पे जम करके कड़ी कार्रवाई हो और उस कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए सुशांत के जो फैंस हैं वो अगर प्रेशर बनाते हैं अपने तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल हो, ग्राउंड की तो अब बात ही ख़त्म हो चुकी है, ग्राउंड में कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो नहीं रहा है और ये लगभग ख़त्म हो चुका है। और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत है, क्योंकि हर जगह लोगों ने आपस में इतनी तोड़फोड़ मचाई, इतने ज़्यादा आपस में जो भी हुआ बातें, जिसको लेकर के इस मुहिम को नुकसान पहुँचा।
तो मैं तो सिर्फ आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह वगैरह इन सब से लड़ना है और सुशांत को न्याय दिलवाना है, तो आपको कहीं ना कहीं एकजुट होकर के और लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई है। इतनी आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। और इस इंसाफ की लड़ाई में ये भी देखिए कि आपके दुश्मन कौन हैं। आपके दुश्मन बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, जिनके सामने आप कुछ नहीं है। उनके पास फंडिंग है, उनके पास सब कुछ है, पहुंच है, पैरवी है। और इसको लेकर के अगर लड़ाई वास्तव में लड़ना है, तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। और उस प्लानिंग के अंदर आपको हर एक किसी को जोड़ना होगा, जो टूट चुके हैं उन्हें भी जोड़ना पड़ेगा। और कहीं भी हर किसी के अंदर देखिए कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चीज़ों को पकड़िए, नेगेटिव चीज़ों को छोड़िए। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति के घर की नहीं है, ये लड़ाई एक बहुत ही बड़ी मुहिम है और एक बहुत बड़ा इंसाफ की लड़ाई है। तो जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। खैर, ये मेरे विचार थे, ये मेरे राय थे जो मैंने आपको दिया। बाकी जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। जय हिंद, जय भारत।